कर ले, पकड़ ले, गात लगा के बैठी हुई थी ना, तू पकड़ ले। तो ना गर्मी इतनी ज्यादा लग रही है अभी, बल्कि धूप नहीं निकली है, फिर भी ना बच्चे खुद ही ना पार्क से बाहर जाने की जिद कर रहे हैं। देख लो यहाँ पे खड़े हो गए हैं। रात को हमारे साथ नहीं सोती अभी गाइस, अभी ना यहाँ पे बाहर कल भी जोई के साथ सोई है, इसलिए जोई के साथ ज्यादा ही दोस्ती हुई पड़ी है। मतलब मैं देश कहाँ जा रहा है, यहाँ पे 2024 के इलेक्शन आने वाले, मैं कमेली और कालू के ना लव प्यार के बीच फंसा हूँ। Guys, good morning and welcome to a new vlog on your favorite channel, Na Mythology. और आज का vlog है शुरू, और आज है Friday. आज का vlog हम शुरू कर रहे हैं सुबह, जहाँ पे मैं बना रही हूँ किचन के अंदर शिवाय के लिए दलिया। यहाँ पे चढ़े हुए हैं चावल हमारे प्यारे प्यारे डोगीज के लिए, क्योंकि नवरात्रे हैं तो अंडे तो साइड में पड़े हुए हैं, और हम लोग सिर्फ इनको दे रहे हैं चावल और दही, और रात को हम केबल भी हो देते हैं। तो आज मेरे पास एक आइडिया आया कि क्यों ना इनको चावल दही के अलावा भी कुछ दिया जाए। तो आज मैं इनको दे रही हूँ फेस्टिवल करके ये वाला जो जोसेरा का सुपर प्रीमियम पेट फूड है। तो बेसिकली गाइज इसमें क्या होता है आप देखो, इसमें ना मैं आपको पूरा एक ये प्रोसेस ना करके ही दिखाऊंगी कि इसमें करना क्या है। ग्लूटेन फ्री है ये, ठीक है, और ना ये ना बेसिकली सॉफ्ट है, जैसे कई डॉग्स जो होते हैं वो नहीं खाते है, क्या बोलते हैं किबल नहीं चबाना चाहते या यू नो इग्नोर करते, तो ये वाला जैसे आप थोड़ा सा लूकवॉर्म वाटर में घोलोगे ना, एक ग्रेवी बन जाएगी, और उसके साथ आप चाहे वैसे ही सर्व कर दो, नहीं तो आप राइस मिक्स करना चाहते हो तो वो आपकी विश है। तो मैं सोच रही हूँ आज बच्चों को ना ये दूँ, इनका रिव्यू लूँ, क्योंकि देखो हम हमें क्या पता टेस्ट कैसा है, क्वालिटी कैसी है, लेकिन अगर बच्चे खा लें तो इसका मतलब प्रोडक्ट अच्छा है। तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ ये फेस्टिवल प्रोडक्ट। जिन जिन के भी डॉगीज जो है वो किबल को डायरेक्ट नहीं खाते या फिर उनको जैसे अच्छी नहीं लगती किबल चबानी, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। और इसके अंदर इतनी क्वालिटीज है गाइज, बड़ी क्लियरली, जैसे एक तो डिलीशियस ग्रेवी हो गई, सेकेंड इनका जो स्किन और कोट होता है उसके लिए बहुत अच्छी है, एंड स्केलेटल डेवलपमेंट तो अच्छी है ही, क्योंकि इसके अंदर है बहुत सारा प्रोटीन। तो अब मैं इसको खोलने वाली हूँ, खोलने वाली हूँ अपने बच्चों के। सो गाइस नवरात्रों के चक्कर में ना मन्नी देख लो, अब अंडे तो जा नहीं रहे, तो मन्नी यूज कर रही है जोसेरा का एडल्ट फेस्टिवल। और इसके अंदर इसकी नहीं खास बात है, इसके अंदर इसके जो ग्रेनुअल्स हैं, आप उसके अंदर अगर ल्यूक वार्म वाटर डालोगे जो हमने उससे डाला है, ल्यूक वार्म, हाँ ठीक है, थोड़ा हल्का गरम, हाँ हल्का गरम, और ये 5 मिनट के अंदर ना पूरा ग्रेवी फॉर्म में बन जाएगा। बन जाएगा, बन जाएगा, कंपनी क्लेम करती है। हाँ ये थिक ग्रेवी हो गई ना, ये देखो सोक कर लेता, हाँ ये देख थिक ग्रेवी शुरू हो गई है। सारी ग्रेवी जो है ना उसमें सारा जो माल डॉग्स को पसंद आता है ना, सारा चिकन मीट ये वो, और ग्लूटेन फ्री है, सबसे बड़ी बात है ग्रेन फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, तो आपके डॉग के गट के लिए, कोट के लिए, और प्रोटीन पॉइंट ऑफ व्यू से स्केलेटल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो आई थिंक ये पहला ही प्रोडक्ट है ऐसा मार्केट में जो घूल के ग्रेवी सा बन जाता है। पहला है, मैंने रॉयल कैनिन और दूसरे भी देखे, वो तो आपको चबाने ही पड़ता है, वो चबाने पड़ते हैं, वो सॉगी से हो जाते हैं, ये पूरी ग्रेवी फॉर्म में हो जाएगा, ग्रेवी में हो जाएगा इसमें तुम चाहो तो। बेसिकली आज ना ये अपने हिसाब के ना अपने वर्ल्ड के राजमा चावल खाने वाले, हाँ वो भी जर्मनी के बने, जर्मनी के बने। तो गाइज ये भी अच्छा प्रोडक्ट है, मैं तो हाईली रेकमेंड करती हूँ, स्पेशली जो पेट पेरेंट्स अपने डॉग्स के लिए घर पे खुद से चिकन नहीं बना सकते, वेजिटेरियन फैमिली हो या फिर नहीं आपके पास इतना टाइम है या ट्रैवल कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी चीज है, ट्रैवलिंग में भी बहुत अच्छा काम आ जाएगी। इसमें जरूरी नहीं, हम तो चलो राइस मिला रहे हैं, आप चाहो तो वैसे भी खिला सकते हो, आपके ऊपर है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसको जरूर बाय करो, लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में छोड़ दूँ। भाग गई है ये, तो बहुत नाटक करती है, सो कोई शौक नहीं ऊपर जाने का। ओ बाप रे भागी, हाँ टीशू से प्यार, ओए ओए पूरा प्यार करती है, सारी भाग गई, चलो जाओ, हाँ भागते बबजी इधर आ, चल। और ये देखिए सारा का सारा पूरा झुंड जा रहा है अंदर, और यहाँ हम अपनी पॉलिथीन की पनिया चेंज कर रहे हैं, पॉलिथीन की मतलब गार्बेज की। चलो चलो अंदर, चलो चलो, ये लो सारे के सारे एक ही पेड़ के अंदर आपको दिख गया होंगे। चलो भागो 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 भागो, चलो जोई अंदर। हाँ क्या घूम रही है तू, और यहाँ पूरे पूरे सुबह सुबह और सफाइयाँ शुरू होने वाली है, कर ले पकड़ ले, गात लगा के बैठी हुई थी ना तू, पकड़ ले। तो गाइस मुझे लगता है कि इसके इनके पूरे लॉट में से ना सिर्फ बल्लाल देव का वजन 20 किलो से ऊपर है, बाकी सारे 14 से 20 किलो के बीच में है। और ये देख लो अब ये गई हुई है देखने के लिए,
जैसी जोई आएगी ये उसके पीछे पड़ जाएगी, ये लो पकड़ लिया इसने जोई को, पकड़ लिया इधर साथ साथ चलते हैं। तो ना गर्मी इतनी ज्यादा लग रही है अभी, बल्कि धूप नहीं निकली है, फिर भी ना बच्चे खुद ही ना पार्क से बाहर जाने की जिद कर रहे हैं। देख लो यहाँ पे खड़े हो गए दिशु, यहाँ पे कह रहा है कि आज ये खेल ही नहीं रहे। ये देखो ये भी अपने घर जा रही है वापसी, थोड़ा शुशु शुशु करके। ये देखो ये सारे के सारे थक गए हैं बहुत ज्यादा, तो गर्मियों में एक्सरसाइज कम हो जाती है डेफिनेटली। और ये देखो क्लोडो कह रही है मैं लीड करूंगी, हटो यहाँ से, पीछे हटो सारे के सारे, पहले मुझे बाहर जाने दो। ये सारे अंदर ही जरा, हाँ रुक जा अभी दो मिनट। ये देख लो सारे के सारे ना इतनी पेंटिंग कर रहे हैं, हैं? क्लोडो इधर आ, देख लो आपको क्लोडो दिख रही है साइड पर, वो भी अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये देख अच्छा चलो चलो रोशनी देखना कितने मजे से सो रही है यहाँ पे अंदर, जहाँ पे पैदा हुई थी ना वही, और वो चमेली भी अंदर सो रही। कौन सो रहा है? चार्ली सो रहा है, सारे के सारे इतने मजे से सो रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना कि सर्दियों में ये लोग कहाँ चले गए हैं, लेकिन गर्मियों में ये लोग वापस यहाँ आ जाएंगे। देख लो ये आ ही गए हैं वापस अपनी जगह पे, देख लो। खेलने गई थी, आ गई है खेल के, अरे यार तुम्हारी भी ना दिन रात मैंने देखा सफाइयां ही नहीं खत्म होती। ये मेरा तो दिन में 50 बार होता साफ, मेरे से मिली भी नहीं है, सुबह से सीधा बाहर खेलने चली गई है मुझसे। मेरे से तो अच्छा बोल रही थी मम्मी, मम्मी कैसे बोल रही थी मम्मी, कैसे जिससे मेरी शादी होगी, अरे रात को कालू कर गया चमेली का काम, मेरे तो हिम्मत है। हाँ भैया मेरे में चमेली को खुद के लिए भी सोचना चाहिए ना यार, अगर चमेली अलाव ना करती तो कालू कर लेता जबरदस्ती। नहीं चमेली ने अलाव के अंदर ना, मतलब मैं देश कहाँ जा रहा है, यहाँ पे 2024 के इलेक्शन आने वाले, मैं कमेली चमेली और कालू के ना लव प्यार के बीच फंसा हुआ। तो यार फिर भाई ना हम अब जैसे घर में पेट्स रखते हो तो उनका पूरा ध्यान रखते हो, क्यों कि वो ऐसे अननेसेसरी मतलब समझ रहे हो, तो इन एनजीओस को भी इनका स्ट्रीट डॉग्स का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब सब मनी मेंटिंग मशीन। हाँ अब हमारे एरिया के एनजीओ है, हमने उनको इन्फॉर्म किया था कि चमेली का हो गया अब इसको किसी तरह करा दो, लेकिन नहीं देखो कोई नहीं आया भाई, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर भी नहीं है भाई बिल्कुल भी। हाँ उस टाइम के पीछे उस पीरियड में शिवाय ने कितना सफर किया, भगवान हिम्मत देगा तो बात अलग। वो तो यार देखो हमारा नेचर ही वैसा, पर क्या कर सकते। क्या हुआ मेरे गूगल को, क्या हुआ छोटे से को गूगल, और मेरे बुग्गे और मेरा बुग्गा बुग्गे, तेरी टंग इतनी बड़ी कैसे हो गई, आंख तो तेरी नीली ही रह गई, एक आधी काली आधी नीली है ना, पर सुंदर लगती है जैसी भी है। मेरी पारू मेरी लड्डू मेरी शोनी मेरी गुगली मेरी पारी छोटी मोटी, इतना पाला बच्चा है मेरा, इतना पाला मेरा बाबू। हाँ रात को हमारे साथ नहीं सोती अभी है गाइस, अभी है ना यहाँ पे बाहर, कल भी जोई के साथ सोई है, इसकी जोई के साथ ज्यादा ही दोस्ती हुई पड़ी है, लंबी निकल आई है हमारी क्लोडो, क्लोडा मेरा क्लोडा और मेरा क्लोडा। हाँ खाना टीट से और टीट से, टीवी बेटा टीवी है, टीवी 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 बेटा, बहुत महंगी चीजें होती है, क्यों ऐसे करते हो, मुश्किल से लेते हैं माँ बाप, तुम तो 2 सेकंड लगाते हो चीजें बर्बाद करने में यार, है। और क्लोडो आ गई है, उसको शिब्बू मिल गया है, क्लोडो को ना शिब्बू भी बड़ा पसंद है राहुल, उसको ना घर में रहना पसंद है बेसिकली। हाँ हाँ इसको और जोई को भी बड़ा मजा आता है घर के अंदर, पर ना जोई के बाल हर जगह हो रहे हैं घर में, कल मैं नहाने गई हूँ तौलिया अच्छी नहाई हूँ, उसके बाद ना मुझे तौलिया ही उसकी पूरी बॉडी पे बाल 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 बाल, क्योंकि तौलिया में ना जोई के बाल थे इतने सारे। इनको ना वो करवानी पड़ेगी 2-2 हजार, तो 8 हजार का खर्चा तो आज तुमने वैसे बता दिया, और बताओ और कुछ नहीं है, इसकी वैक्सीनेशन एक आखिरी ड्यू है, वो कराओ तो, वो तो पैकेज में है, पैकेज में है पर जाना तो पड़ेगा। ओके चलो फिर आज ही करते हैं सारा काम, पर आज मेरी मम्मी ने फिर फंसा दिया मेरे को, तो 11 बजे चलते हैं, 11:30 चलते हैं ताकि सुबह सुबह निपट जाए। ओका कल बहादुरगढ़ भी गए ना, थक गए यार है ना बॉडी, मैंने तो बाथरूम भी खेल के, मैंने भी तो शाम को शिवाय को स्केटिंग कराई है। कितनी देर की, हमने 45 मिनट्स तो करी है, पहले ना अंदर वो बड़े बच्चे कर रहे थे, उनका ना कॉम्पिटिशन है तो
दो रात तक आठ बजे तक प्रैक्टिस कर रहे थे, साढ़े सात से आठ हमने बाहर करी है, मतलब उसके पैरेलल जो वो है एरिया, और उसके बाद हम अंदर चले गए। अंदर ही ज्यादा अच्छे से खुशी से करते हैं, इसको स्पेस ज्यादा मिल जाता है ना। कल तो मैंने सर तो बिजी थे उनका, आज कॉम्पिटिशन, आज कोई क्लास नहीं है स्केटिंग की, अगर वैसे ही जाके करना चाहो तो कर सकते हो, आज सर अवेलेबल नहीं है। वैसे भी इसको सर क्या सिखा ही रहे हैं, जो मैं ही करा रही हूँ, मैं ही करा रही हूँ, उसकी टीचर मैं ही हूँ, कोच सर इसको वैसे भी कुछ नहीं सिखा पा रहे। ये सुन रही है हमारी बात है, देखना ये खाने का वेट कर रही है, भूख लग गई है। सही है, ठीक है। तो यहाँ पे बन रही है राहुल की चाय सुबह सुबह, और राहुल का आज मन है छोले भटूरे खाने का, बट यहाँ तो मैं प्याज व्याज कटवा के बैठ गई हूँ, वहाँ पे कट गए हैं आलू, और यहाँ पे पड़ी है गोभी। तो हम तो आज सोच रहे हैं आलू गोभी और पीली दाल बनाए। और आजकल ना हमारे घर में हर वक्त आपको टकर 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 बास्केटबॉल की साउंड सुनाई दे रही है, लड़के को बास्केटबॉल ज्यादा ही पसंद आ गया। राहुल मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है आज, एक तो अभी इनको वहाँ लेके चलते हैं दवाई खिलाने, टिक्स की। पहले मुझे दवाई खिलाओ। किस चीज की? मैं ना परेशान। किस चीज से? अरे नहीं यार, कुछ काम वाम कर नहीं रहे हो तुम, सारे मेरे पे नाम लगाई जा रहे हो। काम वाम हम नहीं कर रहे। अच्छा, क्या काम नहीं कर रही? मुझे खाना दो। क्या दू? कुछ तबियत खराब। क्या दू? चाहिए क्या? मुझे खुद नहीं पता। तो फिर राहुल ऐसे तुम ये नहीं बोल सकते, तुम काम नहीं, मेरा काम तुम्हें खाना देना है। मेरा भी तो है देखो खाना देना। तो दो मुझे, मेरे को तुमने आज तक कभी मुंह में टुकड़ा तक नहीं डाला मेरे। अंडे उबाल के छील के देता हूँ। अंडे कैसे खा सकते हैं अभी? क्या ऑर्डर करो? अभी लंच तो बनी रहा ना, ब्रेकफास्ट। मैं लंच की वेट करूं, मैं सुबह से उठाऊं, मुझे तुम्हें क्या खाना है ब्रेकफास्ट? मुझे छोले भटूरे खाने हैं। राहुल छोले भटूरे ना मुझे आते, मैं फिर किसी ऐसी औरत से शादी करनी चाहिए जिसको घर पे और छोले भटूरे आते। तुम्हारे मम्मी पापा ने तो आज तक कभी बनाया नहीं घर पे छोले भटूरे, तुम मेरे से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। खुद तो तुम्हारी मम्मी तुम 20 रुपए दे देती थी, जाओ बेटा बाजार से नाश्ता कराओ, तभी तुम्हें ये आदतें पड़ी हुई हैं। चाय तो बन गई, चाय पहले क्यों बनवा ली है? अच्छा गाड़ी का क्या प्रोग्राम है? वो तो ले गया कल ग्रैंड विटारा सरदार जी। तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी बिक गई है। हाँ, और अब हमारे पास सिर्फ आईसू। अच्छा क्या है? अच्छा अब हम कोई और देखेंगे। तो देखी नहीं तुमने अब तक? है क्यों फालतू काट रहे हो लोगों का? है अभी नहीं देखी। पर लोन भी लेना ज्यादा पड़ेगा फिर, क्योंकि उस गाड़ी में हमें नुकसान तो हुआ ही है ना, 2.5-3 लाख का। 4 महीने जो हमने रखी है, 4 महीने के अंदर ही हमारा 3 लाख का नुकसान हुआ। तो टूटती है ना गाड़ी, तो शोरूम से निकलते ही भी टूटती है। हमने ऊपर से डिसीजन सही हमने एक्सेसरीज भी तो इतनी लगा ली थी उसके ऊपर, मतलब पीछे का डंडा ये वो, और हमने पूरी फुली लोडेड गाड़ी दी है। वैसे हमने गाड़ी ना उनको जो दी है ना, उनको मतलब बहुत अच्छी डील मिली है ये। हाँ, पूरी बनी बनाई गाड़ी, और तुम्हारे को टेंशन नहीं, तुम बनी बनाई घर ले गए, तुम्हें करोड़ों के धक्के नहीं खाने खुद। फिर सब कुछ बना बनाया, मतलब ह्यूमन एफर्ट की तो वैल्यू है ही नहीं ना इस देश में, जो हम वहाँ 2-3 घंटे खड़े हुए हैं। हमारे साथ सन्नी सर भी गए थे। अब क्या सोचा है, मन क्या बना रहे हो? पेट्रोल डीजल ईवी का ही मन है? मैं पैसे ना भाई, मेरा काम हो गया बहुत ज्यादा ठंडा, ठीक है ना, तो पैसे तो मेरे पास है, तो मैं ना पेट्रोल लूंगा ना डीजल लूंगा, मैं लूंगा बैटरी वाला रिक्शा। बैटरी रिक्शा स्टेटस भी तो मेंटेन करोगे? अच्छा गाड़ी के रूप में ईवी कार। ईवी कार तो फिर 2-3 ऑप्शन है, या तो महिंद्रा के यू भी है, नेक्सॉन। महिंद्रा नहीं लूंगा मैं, लूंगा सिर्फ टाटा की। टाटा फिर तो टाटा में पंच है, नेक्सॉन है, अल्ट्रोज है। मुझे तुझे इतनी नॉलेज है, मैं देख रहा हूँ अभी, सोचते हैं जो सस्ती पड़ेगी, बजट के अंदर पड़ेगी, जिसके ऊपर लोन इजीली हो जाएगा। गाड़ी पे डिपेंड नहीं करता लोन तो बैंक से होता है, गाड़ी पे थोड़ी डिपेंड करते है इस गाड़ी पे लोन मिलेगा और इस पे नहीं मिलेगा, वो तो बैंक पे होता है ना। बिल्कुल सही कह रही है। और तुम्हें तो वैसे ही लोन नहीं मिलेगा कभी भी। तुम आईटीआर थोड़ी भरते हो? आईटीआर भरता हूं। क्यों नहीं भरता मैं आईटीआर? तो भरते हो, लेकिन तुम्हारी आईटीआर तो कुछ है ही नहीं, तुम तो सैलरी ड्रॉ ही नहीं करते ना अपनी कंपनी से। आईटीआर नहीं भरता। हाँ फिर फालतू भरता। लोन तो मेरे ही नाम पे होगा ना। हाँ तो फिर तू कर लियो, तो अपने नाम पे रख ले। हाँ कर्जा भी मैं भरूं, टेंशन भी मैं। तो जैसे क्या होता है, गाड़ी बेचती है वो, सर अपनी गाड़ी लेके जा चुके हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा हो गया, तो बस अब हम हंट कर रहे हैं नई गाड़ी। इफ ऑल गोज वेल लोन वोन भी हो जाता है, माइंड में हमने सोच तो लिया है कि हमने लेना गया है, चाहे राहुल बताए चाहे ना बताए, बट वही है थोड़ा प्रोसेस करने में अवेलेबिलिटी। कई बार आपको जैसे ग्रैंड विटारा तो हमें डिस्प्ले पे ही मिल गई थी, तो वही बुक हो गई। तो ऐसे अगर ऐसी फिर से कोई हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो जल्दी डिलीवर हो जाएगी, नहीं तो ईवी कार्स में तो काफी वेटिंग है आपको पता है। तो लेट्स सी, जाके देखते हैं, और जैसे भी होगा आपको भी अपडेट रखते हैं। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं एंड।
थोड़े से ब्लॉग छोड़े जा रहे थे, वो फैमिली में किसी की डेथ हो गई, तो कल हम उसी चक्कर में भादुरगढ़ भी गए थे, तो उस वजह से थोड़ा सा दिन जो है वो थोड़ा सा ऑक्यूपाई हो रखा है इन सब चीजों में। बाकी मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग में और देखते हैं बाकी आज का दिन कैसा जाता है। बाय।